रेडी हो जाएगी और फिर पूजा में बैठी। तुम्ही अभी मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ना, वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। तो अभी चल रही है सरस्वती पूजा की तैयारी और मैंने यहाँ पे ये जो टेबल था, सिटिंग एरिया था कृति का, उसके ऊपर मैंने ये वाला बेडशीट बिछाया है। और ऊपर आप जब देख रहे हो, ये मेरी मम्मी ने बनाया था। ये बेसिकली एक चादर था, तो इसको मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है और एकदम मैरीगोल्ड जैसा लग रहा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और ये कृति ने क्या बनाया है, सरस्वती माँ की पिक्चर बनाई है। ये क्या क्या है, क्या क्या रखे हो? चीरा, रसगुल्ला, फ्रूट्स, ग्रेप्स। अच्छा, वेरी गुड। अभी कृति भी नहाएगी और रेडी हो जाएगी, है ना? चलो मैं भी अपनी पूजा की तैयारी कर लूं। और अभी कृति साड़ी पहन रही है। मैं सबसे पहले ये वाली सरस्वती माँ को रेडी करूंगी, फिर वो वाली सरस्वती माँ को रेडी करूंगी, है ना? कृति ने नहा लिया है, अभी वो रेडी हो जाएगी और फिर पूजा में बैठी। तुम भी रेडी हो? अभी रेडी हूँ। येलो कलर का साड़ी होता तो अच्छा होता, लेकिन एक येलो कलर का साड़ी ऑलरेडी उसने पहन लिया है, तो मैंने सोचा चलो ये वाला पहना देती हूँ। मैच कर रहा है। और बच्चों को साड़ी पहनाने का सबसे जो मेन पार्ट होता है, मुझे लगता है ये प्लेट वाला पार्ट। तो ये मैं उसको फोल्ड कर लिया है मैंने, उसके बाद मैं इसको अंदर डाल रही हूँ ताकि उसका लेंथ जो है उसके बराबर हो जाए, कृति के बराबर। तो वही मैंने डाल दिया है और बाकी का जो हिस्सा है वो नॉर्मली जैसे हम बड़े साड़ी पहनते हैं उसी तरह से मैं पहनाऊँगी। और साड़ी को मैंने फोल्ड करके राउंड किया है, तो इस तरह से मैंने उसको पहनाया है और ये कृति रेडी हो गई है। और मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं उसको पहनाती हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी भी लगभग हो गई है। और ये पुजारी आ रहे हैं एकदम, ये पुजारी एकदम रेडी हो गया है, आ जाइए। ड्रेस चेंज हो गया है, वो है इसका ये वाला लहंगे के ऊपर उसने पहना था साड़ी को। कृति टर्न। हैप्पी सरस्वती पूजा। मैं अभी आ रही हूँ नीचे से और कृति गई है खेलने के लिए, क्योंकि आज तो पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, तो इसके लिए वो गई है नीचे। लेकिन मैं अभी आई हूँ तो अतनु क्या है नीचे थोड़ा सा वॉक वो कर लेगा, मैं इतना टाइम वॉक कर रही थी। तो चलिए अभी जाऊंगी किचन में, और दिया करके मैं गई थी तो अभी मैं किचन में जाऊंगी, खाना बना लूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है खाना बनाना, तो वही उसको कंप्लीट करूंगी। और राइस भी बनाना है कल के लिए, क्योंकि कल का खाना भी बनाना है, तो मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मेरा आधा कुकिंग हो चुका है, अभी मैं फिश फ्राई करूंगी और राइस करूंगी, बाकी पोटैटो फ्राई ये सब हो चुका है। और आज किचन बिल्कुल फैला हुआ है, मैं चाय बनाई थी मैंने, दिया करने के बाद मैंने चाय पिया, मतलब हम दोनों ने चाय पिया क्योंकि अदनु घर पे ही थे। और ये मेरा पत्ता गोभी का सब्जी है, अभी इसके साथ ना फिश का जो हेड होता है ना उसको मिक्स करना है। तो चलिए पहले
पहले मैं राइस को चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिश फ्राई करूंगी और उसके बाद इसमें मिक्स करूंगी। और फिश की जो रेसिपी मैं बनाती हूँ ना, वो कल के लिए होता है, थोड़ा सा खट्टा फिश का जो करी, माछे झोल, माछे टॉक टॉक झोल, तो वही मैं बनाऊंगी। चलिए और अतनु भी आ गया है, कृति भी आ गई क्या, चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैंने अतनु को बुलाया था, अतनु नीचे ही थे। हाँ, जब है तो मेहनत क्यों करूं, है ना। मेरा अभी फिश फ्राई हो चुका है और फिश का ये कातला फिश था, तो कातला फिश का जो हेड होता है उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने, और अभी मैं उसको तोड़ रही हूँ। तोड़ के मैं पत्ता गोभी की जो सब्जी है उसके साथ मिक्स करूँगी। नॉर्मली जो पत्ता गोभी की सब्जी होता है वही मैंने बनाया है, उसके साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा गर्म करके उसको रख दूँगी। सारा हो गया है, लास्ट में मैं फिश की करी बनाती हूँ, तो वो ना एक्चुअली बंगाली में इसको माछे टॉक झोल बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई ऑनियन लहसुन कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, मैं मस्टर्ड से इसका करी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जिस कढ़ाई में मैंने फिश फ्राई किया तो ऑयल था, उसको मैंने फेंक दिया है। अभी मैंने फिर से ऑयल लिया है और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी। तो मैं इसके साथ जो कलौंजी होता है ना, कालो जीरा, उसको फोड़ों में डालूंगी और मैं डालूंगी रेड चिली, जिसको मैं तोड़ के नहीं डालूंगी, नहीं तो थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा, तो ऐसे ही डालूंगी मैं। और उसके बाद ये मस्टर्ड की मैंने मस्टर्ड को मैंने ग्राइंड किया है, जो व्हाइट वाला मस्टर्ड होता है, येलो वाला वो मस्टर्ड सीड, और ब्लैक वाला मस्टर्ड सीड को मैंने ग्राइंड किया। अभी मैं इसमें इसको डाल दूंगी। और मसाले में मुझे हल्दी और सॉल्ट ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करूंगी मैं, और थोड़ा सा सॉल्ट मैं थोड़ा ज्यादा करके दूंगी। और ये मैंने ना इमली को भिगो के रखा था, तो इमली का जो पानी है, अच्छे से इमली का पानी मैं निकाल लूंगी और उसके बाद इसको ऐड कर दूंगी। और पानी ऐड करने के बाद इसको ढकने के बाद उसको उबालने के लिए छोड़ दूंगी। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें फिश को ऐड कर दूंगी। उसमें उबाल आ गया था तो मैंने सारे फिश जो है उसको ऐड कर दिया है। अभी मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, ये मेरी मम्मी का है, मतलब मेरी मम्मी को मैंने देखा है ये ऐड करते हुए। जब ये ग्रेवी बन जाता है, मतलब करी बन जाता है, उसके बाद मैंने मेथी को थोड़ा सा एकदम पाउडर फॉर्म में बना लिया है, तो ये जो मेथी है उसको मैं अभी ऐड करूंगी। जस्ट इसको अभी मैं ढक के ऐसे गैस को बंद करके रख दूंगी, तो मेथी का जो एक फ्लेवर होता है ना वो करी में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। कल हम लोग जब खाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है।
और जो राइस था उसको मैंने प्लेट के अंदर रख दिया था ताकि राइस जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए। अभी मैं एक बाउल में उसको रख रही हूँ और थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी। थोड़ा कम करके पानी मैं आज ऐड करती हूँ और उसके बाद कल मैं ज़्यादा पानी ऐड करती हूँ। कभी कभी ज़्यादा पानी ऐड करने से ना, अगर बाई चांस आपका राइस गर्म रहे तो राइस ख़राब होने का चांस रहता है, तो इसके लिए आज थोड़ा कम पानी ऐड कर देती हूँ और कल ज़्यादा करके पानी मैं ऐड करती हूँ। अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है और अभी हम लोग आ गए हैं बेडरूम पे। ये रहा अतनु, कृति, से हाय हाय, बबली, मुझे देखना है। हाँ, क्योंकि हम लोग एक मूवी देख रहे हैं। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज तो नो कुकिंग, कोई भी मतलब कुकिंग नहीं है। कल मैंने जो जो खाना बनाया है वही हम लोग खाएंगे। और मैं ना सब्जी वगैरह जो होता है ना थोड़ा कम करके बनाती हूँ, लेकिन पत्ता गोभी की सब्जी थोड़ा मैं ज्यादा करके बनाती हूँ क्योंकि वो सबको बहुत पसंद है। पोटैटो फ्राई या बैंगन फ्राई ये मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, जो कि रात को ही मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था हम सब ने, और बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो पत्ता गोभी की सब्जी मेन और फिश का जो मतलब करी मैंने बनाया ना वो मेन, मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है। आज एक्चुअली इसको ना शीतला षोष्ठी बोलते हैं, तो इसमें ना मेन जो होता है, मैंने सुना है, मैंने नहीं देखा है क्योंकि मेरे मायके में भी ये शीतला षष्ठी का जो पूजा होता है वो नहीं है। मेरी मम्मी को मैंने बचपन से देखा है कि मम्मी खाना बनाती थी और हमारे घर में मतलब मेरी दादी भी नहीं करती थी ये वाला जो पूजा होता है ना, मेरी दादी नहीं करती, तो हमारे घर में कोई भी नहीं करता है, सिर्फ खाना बनाते हैं। मेरी शादी के बाद मैंने सुना कि मेरी इन लॉज में ये पूजा भी होता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन हम लोग बैंगलोर में रहते हैं तो वो जो गोटा शेद्दो बोलते हैं ना, ये एक्चुअली बचपन में मैंने खाया था क्योंकि एक मतलब आसपास के घर से आता था तो वो मैंने खाया है, तो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जब मतलब सुनी कि मेरी इन-लॉज में है तो मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन हम लोग बैंगलोर में है तो कभी भी हम लोगों को ये मौका नहीं मिला। और गोटा शेक तो जो बोलते हैं ना वो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो एक ही मतलब जो पूजा होता है वो एक जगह में ही होता है। मैं जो करती हूँ, पहले दिन खाना बनाती हूँ और नेक्स्ट डे हम लोग खाना को खाते हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो एक ही चीज बनता है चाय, लेकिन चाय ठंडा करके खाया जाता है ऐसा कुछ बोला जाता है, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि नेक्स्ट डे को खाना, और खाना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा कुछ मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। सरस्वती पूजा ना बचपन से बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब बहुत दिनों से हम लोग वेट करते थे सरस्वती पूजा के लिए क्योंकि हमारे मोहल्ले में भी ना होता है, मतलब सॉरी होता था। हम लोग बचपन में एक जो पंडाल जैसे बनाते थे, फिर वहाँ पे मूर्ति लाया जाता था, पूजा होता था, रात को भी हम लोग रुकते थे उस पंडाल के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ना, हम लोग ना उस दिन बचपन में ना मतलब बहुत अच्छा लगता था कुछ हॉरर स्टोरी सुनना, तो हम लोग ना वो पंडाल के अंदर कुछ बच्चे ही रहते थे, मतलब ज़्यादातर हमारे कजिन्स ही रहते थे, तो हम लोग वहाँ रहते थे और हॉरर स्टोरी कोई बोलता था तो हम लोग सुनते थे और इतना मजा आता था ना, रात को कोई नहीं सोता था। तो ये मतलब क्या बताओ, ये बहुत ही एक मेमोरेबल चीजें हैं जो मुझे अभी भी याद आता है। और हम सब जितने भी थे ना शायद सबको ये याद आता है क्योंकि ये भूलने वाली चीज कुछ है नहीं, तो इस टाइप का। और स्कूल में तो होता ही था, उसके बाद जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए उसके बाद स्कूल में गए, स्कूल में ना ज़्यादातर हमारी कोएड स्कूल था तो मेरे भैया मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो मेरे भैया लोग जो फूल कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना सारा कुछ करता था, हम लोग जाते हैं फ्रूट्स कट करने के लिए, तो स्कूल में भी बहुत मज़ा आता था। लेकिन वो हम लोग जब 11th 12th में पढ़ते थे ना उस टाइम में, क्योंकि वहाँ पे जब जो बड़े होते हैं ना क्लास में, मतलब जो सीनियर्स होते हैं उनका ज़्यादा चलता है ना, तो उस टाइम में हम लोगों ने 2 साल बहुत इन्जॉय किया और घर में भी। और साड़ी पहनना, मेनली साड़ी तो पहनना ही है, मुझे अभी भी याद है मैं ना मतलब मेरी उस दिन ना मतलब कुकिंग भी रहता है घर में और साथ में पूजा का तैयारी और ऊपर से साड़ी पहनाना, तो मम्मी के पास ना मैं साड़ी लेके खड़ी रहती थी कि मम्मी मुझे साड़ी पहना दो, मुझे साड़ी पहना दो, मुझे साड़ी पहनना ही है, तो बहुत अच्छा लगता था साड़ी पहनना। और इस साल कृति को भी मैंने पहनाया है, वो भी बहुत इंजॉय कर रही है और है ना उसको, वो अभी ये सब समझ रही है, मतलब उसने स्टार्ट किया है ये सब समझना अभी,
तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि उसको मैं सारा जितना कुछ हम लोग करते थे वहां पे, तो मतलब वेस्ट बंगाल में अभी तो पूरा मतलब छाया हुआ है सरस्वती पूजा का, आज भी मतलब रहता है ना एक चारों तरफ, मतलब लगता है कि हाँ सरस्वती पूजा है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मेरा घर का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा उस टाइप का करने का, जैसे सरस्वती पूजा के दिन हम लोग बुक्स टच नहीं करते थे, लेकिन कल उसको जब भी मैं बोल रही थी कि नहीं टच करना नहीं टच करना, उसको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। और तो इस टाइप का तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की कल, जितना हो सके थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि होता है ना थोड़ा बहुत काम भी रहता है, और मैं तो मतलब बिल्कुल रेडी होने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो मैं ऐसे ही पूजा मैंने कर लिया है हड़बड़ी में। तो बस अगर आप लोगों को मेरा ये सरस्वती पूजा वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।